क्यों हैं भगवान श्री गणेश अपने बड़े भाई कार्तिकेय से भी महान? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिर गए थे। तब वे लोग अपनी मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव जी के साथ भगवान कार्तिकेय और गणेश जी भी मौजूद थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने के लिए आज्ञा दी।